बलरामपुर सोहेल देव वन्य जीव अभयारण्य के बरहवा रेंज क्षेत्र के सेखुइनिया कला गांव में पकड़ी गई 124 बोटा खैर की लकड़ी जब्त करने के बाद मामले में नया मोड़ आया है। नंदापुरवा निवासी एक युवक ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि लकड़ी बरहवा रेंज में तैनात वन दरोगा की है। वन दरोगा ने ही जंगल से बेशकीमती खैर वृक्ष कटवाकर उसे सेखुइनिया कला गांव में रखवाया था। युवक ने आरोप ये भी लगाया है कि मुखबिरी करने पर वन दरोगा ने अपने सहयोगियों के साथ सीने पर राइफल लगाकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। बरहवा के रेंजर ने कहा कि मामले की जांच के बाद गुणदोष का निर्धारण होगा। आरोप लगाने वाले युवक पर वन विभाग की ओर से 7 मुकदमे लकड़ी चोरी के दर्ज हैं। वहीं वन दरोगा ने आरोप निराधार बताते हुए कहा कि उनके पास राइफल है ही नहीं, का अवैध लकड़ी कटान से कोई लेना देना नहीं है। नंदापुरवा निवासी मनोज कुमार यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसकी पुष्टि न्यूज चैनल नहीं करता। साथ ही मनोज ने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र भी भेजा है। वीडियो में कहा कि बरहवा रेंज में तैनात वन दरोगा सूरज पांडे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जंगल की कीमती लकड़ियां कटवाते हैं। लगाया गया है कि खैर की लकड़ी जो है बेचने में उनकी संलिप्तता है, और मुझे धमकी भी दिया गया है बंदूक को लगाकर जान से मारने की। तो कहाँ तक ये सत्यता है और क्या है इस मामले में? देखिए, 12 तारीख को हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ पे लेपर्ड आया हुआ है रात में। तो सुबह हम लोग जो है पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ, एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है, और उसमें जो है मनोज यादव आया था, मौके पे था वो। लेकिन ऐसा जो कहा गया है पूरी तरीके से गलत है और असत्य है। और जहाँ तक सूरज पांडे खैर की लकड़ी के बारे में कहा जा रहा है, जब से मैं रेंज के चार्ज में आया हूँ, मारते आज तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हमारे पास, और मेरे द्वारा जाँच कराया जाएगा। जाँच में जो भी दोषी होगा उसकी सज़ा मिलेगी उसे। मनोज यादव भैया, नंदापुरवा गणेशपुर। समस्या है सर कि कल हमारे घर गए सुरेश पांडे, ये लोग हमारे घर गाली गलौज दिए, कहेंगे मनोज यादव कहाँ हैं, हमारी लकड़ी की मुखबिरी करते हैं। और उसके बाद हमारे घर वाले कहे कि वह गए हैं बाहर कहीं, हम तो आए यहाँ ढौरी कला में। हम बैठे डॉक्टर की दुकान पे, हम अपना दवा करा रहे थे, तो ये कहे कि कला में। डॉक्टर का संतोष यादव पहुँचे, ये लोग गाड़ी से उतरने लगे, तो हम सर वहाँ से अंदर चले गए घर में। एक सूरज पांडे और एक जराबट थे, सुनील यादव। उसके बाद में एक कौन था, उनका नाम नहीं जानते हैं सर हम, कुछ वहाँ थे। तो सूरज पांडे हम सभी बताया कि उसको किसी का मुखबिरी किए हो, इनका लकड़ी सेखुइनिया कला तुलसीपुर थाना में रखा था सूरज पांडे का। ये अपनी गाड़ी से लाद लेकर जाते थे वहाँ पे, सफेद गाड़ी इनकी है, पीछे पर्दा लगाते हैं, अंदर लकड़ी लाते हैं 4-5 कुंटल। ये भर भी से लाते हैं, रोज डेली लाते हैं सर। ये डेली तक सूरज पांडे 5 स्टार लौकी कला में पोस्ट है ये। क्या हम तो कहें तू अगर मुखबिरी करोगे तुमके इनकाउंटर में बंदूक हमें पर कल तान दिए सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।